हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म सुखी का प्रमोशन शुरू कर दिया है। इस फिल्म में वह एक पंजाबी हाउसवाइफ सुखप्रीत सुखी कालरा का रोल निभा रही है। सुखी अपने पति के पीठ पीछे अपने स्कूल के रीयूनियन के शामिल हो रही है। उसके लिए वो दिल्ली चली जाती है और उस आजादी को महसूस करती है जो उसके पास थी। जून के साथ एक इंटरव्यू में शिल्पा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनकी मां सुनंदा शेट्टी को डॉक्टरों ने स्टिलबॉर्न एक्ट्रेस को अबॉर्ट करने का सजेशन दिया था। शिल्पा शेट्टी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब वो गर्भवती हुई थी तो उन्हें लगा कि वो मुझे खो देगी। डॉक्टरों ने भी उन्हें सलाह दी कि अबॉर्शन करवा ले, क्योंकि मेरी माँ की प्रेगनेंसी मुश्किलों से भरी थी। डॉक्टरों को लगा कि उनका मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। मैं स्टिलबॉर्न थी, मतलब कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी सांस नहीं चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सर्वाइवर हूँ। तो उनका हमेशा मानना था कि मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ, और इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिल्में मेरे जीवन में सिर्फ एक कैटालिस्ट है। मैं यहाँ शायद कुछ करने के लिए हूँ और शायद उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूं जो जा रहे हैं। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो मैं लगातार मैसेज डाल रही हूँ, क्योंकि हम सभी जीवन में मुश्किल समय में गुजर रहे हैं। हर किसी के लिए ये एहसान नहीं है। अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बात करते हुए शिल्पा शेट्टी ने बताया कि सुखी सोनल जोशी की डायरेक्शन की पहली फिल्म है। सोनल इससे पहले आमिर खान और कैटरीना कैफ की धूम 3, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की तमाशा और शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की स्टार स्टैंडर्ड फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा सुखी में अमित साद, कुशा कपिला, पवली गुजराल, दिलनाज ईरानी, चैतन्य चौधरी और ज्योति कपूर भी लीड रोल्स में है। ये फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगर फिल्म इंडस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।